सुखबीर सिंह बादल दे रिश्तेदार नरोत्तम ढिल्लो जिसका गोवा दे विच कतल होया सी। हुण उस मामले दे विच नवीं मुंबई पुलिस ने 22 साल की कुड़ी ते उसके 32 साल के दोस्त नूं गिरफ्तार किया। तलाशी मौके उन्हां दे कोलों लगभग 47,82,000 रुपए का समान बरामद होया। नवीं मुंबई पुलिस ने गोवा पुलिस के नाल संपर्क करके दोवां आरोपियों के बारे जानकारी दे दित्ती। दस दिए कि 77 साल के नरोत्तम ढिल्लो उर्फ निमी ढिल्लो की लाश उत्तरी गोवा के पोरबारिम इलाके दे विच स्थित उन्हां दी रहायश तो मिली सी। ते ए लड़की अपने दो दोस्तां दे नाल उसके घर विच ही मौजूद सी। मुढ़ली पुछगिछ दे विच ए गल सामने आई कि इंस्टाग्राम ते इस लड़की की दोस्ती 77 साल के नरोत्तम ढिल्लो दे नाल हुई। इंस्टाग्राम ते ही निमी ढिल्लो ने लड़की नूं गोवा आउण दी पेशकश कीती सी, जिसके चलते लड़की अपने दो दोस्तों के नाल गोवा गई ते निमी ढिल्लो दे नाल मुलाकात कीती। स्टेशन तो अपने घर तक नरोत्तम खुद इन्हां नूं अपनी फॉर्चूनर कार दे विच लैण दे लई आया सी। पुछगिछ दे विच ए भी खुलासा होया कि निमी ढिल्लो ने रात वेले 22 साल की कुड़ी दे नाल छेड़छाड़ कीती। इस दौरान इन्हां दा झगड़ा हो गया, जिस दे विच 77 साल के नरोत्तम ढिल्लो का कतल हो गया। बुजुर्ग की मौत तो बाद लड़की अपने दो दोस्तों के नाल उही फॉर्चूनर लैके भज गई। पुलिस के फड़न तक एक आरोपी पहला ही गड्डी चो उतर के भज गया सी, जबकि दोवां नूं नवीं मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाले आरोपियों के इन्हां दावियां ते किन्ने ही सवाल खड़े हुए ने, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने दसिया कि गोवा मुंबई मुख्य मार्ग से बिना नंबर प्लेट वाली गड्डी मुंबई वल आ रही सी। शक पैण ते इन्हां नूं रोकिया, जिस मौके ये सारा खुलासा होया ते ये लड़की भोपाल की रहने वाली है, जिथे इसने हुण जाना सी। सो दस दिए कि नरोत्तम ढिल्लो उर्फ निमी ढिल्लो जो सुखबीर सिंह बादल का रिश्तेदार है, पछोकड़ पिंड बादल दे नाल जुड़दा है, उसका गोवा दे विच कतल किया गया। हालांकि नरोत्तम ढिल्लो के परिवारक मैंबर ने जिहड़े वह विदेश दे विच रहिंदे ने। इकला नरोत्तम ढिल्लो गोवा दे विच रहिंदा सी। इंस्टाग्राम ते उसकी 22 साल की कुड़ी दे नाल दोस्ती हुई और वह कुड़ी अपने दो दोस्तों के नाल नरोत्तम ढिल्लो के घर गोवा दे विच गई। दसण के मुताबिक रात वेले उसने छेड़छाड़ की, जिस मौके एक कुड़ी ते उसके दो दोस्तों ने नरोत्तम ढिल्लो का कतल कर दिता। इन्हां दावियां दे विच किन्नी क सच्चाई है, इस बारे पुलिस लगातार जांच दे विच जुट गई है। एक्चुअली हमको आज सुबह एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक फॉर्चुनर व्हीकल विदाउट नंबर प्लेट गोवा से मुंबई जा रही है और उसमें कुछ सस्पेक्टेड पर्सन्स है। तभी हमारे यूनिट के PSI भारत और टीम ने वो गाड़ी का पीछा करने के लिए रायगढ़ गए थे। वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन जो पाली पुलिस स्टेशन है, उनकी मदद से हमने वो गाड़ी डिटेन किया और वो गाड़ी में एक जेंट्स 32 ईयर्स का और एक लेडीज थी 22 ईयर्स की, उनको हमने कब्जे में ले लिया और हमारे ऑफिस में लाके उनके पास हमने पूछताछ की। साइमल्टेनियस हम लोग गोवा पुलिस से भी संपर्क में थे, जहाँ से वो फॉर्चुनर गाड़ी चोरी हुए वही जो विला है वहाँ जो पर्सन्स रहता था निम्स बादल करके 77 ईयर्स का, उनकी भी सस्पेक्टेड डेथ हुई है, ऐसे इन्फॉर्मेशन हमको मिली। और उनका मोबाइल फ़ोन, उनके गले की चेन और हाथ में का जो सोने का कड़ा था वो भी चोरी हुआ, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली। ये जो कब्जे में दो लोग थे उनके पास हमने पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग प्रॉपर भोपाल के रहने वाले हैं और ये लड़की का ये जो डेथ हुआ जो पर्सन है उनके साथ इंस्टाग्राम में पहचान हुई थी और उन्होंने उनको इनवाइट किया था गोवा में आने के लिए, इसलिए वो कल 3 तारीख को गोवा गए थे। वहाँ जाने के बाद ये आरोपी लोग ये जो हमारे कब्जे में है वो ऐसा इनका कहना है कि ये जो लड़की थी उसके साथ वो उन्होंने गंदी हरकतें की, तो उसी इसमें ये लोगों ने उनको मार दिया है और उनके पास से जो मोबाइल फ़ोन चेन और जो गाड़ी थी वो लेके वो भाग रहे थे और यहाँ मुंबई में आके मुंबई से वो ट्रेन से भोपाल जाने वाले थे। उनको हमने अभी ताबे में ले लिया है
और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम पंचनामा करके ये सभी जो गाड़ी फोन और जो ऑर्नामेंट्स मिले गोल्ड ऑर्नामेंट्स वो पंचनामा करके हम गोवा पुलिस के ताबे देंगे। आगे का इन्वेस्टिगेशन गोवा पुलिस करेगी। सर एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते जिस तरह से आज सोशल मीडिया का क्रेज है, उनके फैमिली वालों को क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों फैमिली वालों को? को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या जो भी अदर सोशल मीडिया के, वो किसके साथ बात करते हैं, किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और किसके साथ चैटिंग करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। अगर बाहर जाते तो अपने बच्चे लोग किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ मिलते हैं, ये एक्चुअली पेरेंट्स के लोगों ने ध्यान देना चाहिए। सर, इसने वो भोपाल पे रहती थी और ये गोवा में रहते थे, तो दोनों का कनेक्शंस कैसे हुआ? इनका जो ये लड़की के साथ जो लड़का है जो उसका ऑलरेडी 3 साल से वो जो डेथ हुए पर्सन को जानता था, उसी हिसाब से इनके साथ वो इंस्टाग्राम पे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ उसका। तो फिर उन लोग वहाँ पे घूमने के लिए भी घूमने के इरादे से गोवा गए थे? घूमने के लिए गए थे एक्चुअली, इन्होंने इनको इनवाइट किया था गोवा आने के लिए, तो उसी विला में वो रहने के लिए गए थे ऐसा। अभी तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में इतना पता चला है, आगे की गोवा पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी उसमें और भी बातें सारी सामने आ जाएगी। गोवा पुलिस से जब आपने बातें की तो आपको क्या इन्फॉर्मेशंस मिले सर? गोवा पुलिस से इतना इन्फॉर्मेशन मिला कि वो एक गाड़ी चोरी हुआ है, वहाँ एक सस्पेक्टेड डेथ हुई है, अभी तक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नहीं आए हैं कि किसकी वजह से डेथ हुई है करके, और वो आईफोन चोरी हुआ है, आईफोन इनके पास मिला है जो डेथ हुआ है उस पर्सन का, और जो सोना है वो भी इनके पास मिला है, उन्होंने जो भी दिया था क्या क्या चोरी हुआ है जो ऑर्नामेंट्स वो इनके पास मिला है। सर, लड़की की उम्र क्या बता रहे हैं? लड़की की उम्र अभी 22 ईयर्स है, और वो जो उनके साथ में लड़के हैं उनकी उम्र? वो जो एक लड़का है वो 32 ईयर्स का है, वो जो भाग गया लड़का उसका तो अभी खाली नाम ही मालूम है, उसका एज वगैरह कुछ पता भी था मालूम नहीं है। थैंक यू।